गाइस माशाल्लाह मेरा शेर मेरा पापा रेडी हो चुका है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस शबनम पूरे रेडी हो चुके हैं। ईद का लुक तो देख सकते हैं आप लोग। ये खुद को तो लगा रहा है, अपने अब्बा को भी लगा रहा है। अगर ये उठेंगे ना मेरे को चार बात सुनाएंगे। चाचू बहुत शर्माते तो अब मैं इनको इतना बोलती हूँ ब्लॉग में। आप ब्लॉग सो ही गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम हो गया आप लोगों का मुशरफ व्लॉग में और महत पापा की प्यारी सी दुनिया में। सो गाइस हम आज सुबह उठे थे 10:30 बजे और मैंने थोड़ा बहुत काम करी, बाकी पूरा काम वैसे के वैसे ही पड़ा है क्योंकि 1 बजे आ गए थे मेहंदी लगाने वाले। जैसे कि आप लोगों ने देखा मैंने डिज़ाइन वगैरह लगा दी तो काफ़ी उनको अच्छी लगी। और जितने भी मतलब आज 2 दिन से मैं मेहंदी लगाई वो मेरे सारे सब्सक्राइबर ही थे। माशाल्लाह बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स थे उन लोगों ने, मतलब बहुत अच्छा लगता है, लोग मुझे इतना पसंद करते, इतना मेरे को वो करते। और महत के लिए बहुत सारे उन्होंने चॉकलेट्स वगैरह लेके आए थे तो महत बहुत खेला भी उनके साथ। उन्होंने वीडियोस वगैरह दिखाए, पर्शियन कैट दिखाए, ये वो। और जैसे कि वो बच्ची से भी मिले, वो भी बहुत पसंद करती है हम लोग को। तो अभी मैं जा रही हूँ बर्तन घसने के लिए। बर्तन वर्तन घसने के बाद थोड़ा घर का सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद देखूंगी जिसको भी लगाना उनको भी बोल दूंगी आके अभी अभी लगा के चले जाओ क्योंकि इकट्ठा सब ना चांद रात के दिन ही आ जा रहे हैं। मतलब सब लोग अभी गली में 4-5 लोगों को और लगाना है कि सब मतलब इकट्ठा बोल रहे हैं रात में ही लगाने का है। तो ऐसा नहीं होता, एक बार में पूरे लोग को नहीं हो पाता है। तो फिर भी मैं एडजस्ट कर रही हूँ। अभी जिनको मैंने लगाई अभी शाम में उनकी बहन भी आएंगे लगाने, तो उनके आने से पहले मुझे पूरा काम निपटाना है। तो मैं जा रही हूँ पहले बर्तन घसती हूँ, झाड़ू पोछा करके मैं थोड़ा फ्रेश होती हूँ। मूड मतलब ये थोड़ा सर्वर मेरा पोछ क्या बोलती धो लेती हूँ कि मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हो। तो चले मिलते हैं अब। मैंने महत पापा को रेडी कर डाली। किसको? माशाल्लाह मेरा बेटा रेडी हो चुका है और अब मुझे थोड़ा सफाई भी करनी है। फटाफट से सफाई कर लेती हूँ, इसको पहले खिला देती हूँ। हप्पू जब से चीज वीज ही खा रहा था वो। तो महत के अबू ने बहुत सारी शॉपिंग करके आए भैया, आप बताएंगे हम बाद में वो, पहले मैं इसको तैयार खिला पिला देती हूँ। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुशरफ व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइस आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी मस्त है और स्वस्थ है। तो गाइस मैं आ गया हूँ घर पे मार्केट से एंड शबनम का मेहंदी वगैरह लगा के भी हो चुका है और अभी इस वक्त हो रहे हैं रात शाम के 6। एंड गाइस मैं पहले नहा धो के फ्रेश हुआ क्योंकि ना मेरे को मतलब बाहर से आना बहुत गर्म से घबराहट भी हो रही थी और बहुत हालत भी ख़राब हो रही थी। तो मैंने कपड़े वगैरह ले लिया वहाँ से, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी थोड़ी देर से। और शबनम अभी बर्तन वगैरह सब धो रहे, मतलब मेहंदी वो लगाने के बाद घर का काम वगैरह सब कर रहे हैं। तो यहाँ की पूरी साफ सफाई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, पलंग भी सेट हो गया एंड शबनम यहाँ का झाड़ू मार रहा है गली में, गली वो सीढ़ी पे। और मैंने ना गाइस ये देखिए ये मतलब धोने के लिए निकाला हूँ, इसको मुझे लगाना है एक कांच के टुकड़े जैसे, मतलब पूरा ये गेट तो मैं आप लोगों को बताता हूँ लगाते हुए। तो आइए देखते हैं। तो गाइस हम लोग की अफ्तार की तैयारी हो गई है और टाइम भी होने वाला है, तो चलो हमको बैठते फटाफट। मैंने और फैजान ने जाके अफ्तार का सामान ला लिया फटाफट और पानी भी लेके आ गए और टाइम कम बचा। चलिए वो बाकी ये गेट बाद में लगाएंगे, जब ये सब हो जाएगा यहाँ सुक्री हो जाएंगे तो फिर ऊपर का गेट लगाएंगे। सो हम आए हैं चांद देखने यहाँ पे, पर चांद कहीं नज़र नहीं आ रहा है अभी, अभी तक तो नहीं दिख रहा है। सो गाइस चांद दिख चुका है तो देखे, तो आप सभी को चांद रात मुबारक हमारी तरफ से। सो गाइस माशाल्लाह ईद का चांद नज़र आ गया हमारी तरफ से, आप सभी को ईद का चांद मुबारक। महत तो महत की भी तरफ से आप सभी को चांद मुबारक, ईद का चांद मुबारक भैया, चांद मुबारक बोल दो। तो अभी महत के अबू गए हैं नमाज, वो आएंगे तब हम मिलते। सो गाइस मैंने सबको मेहंदी लगा दी, सबको A to Z लोगों को, और अब मैं जा रही हूँ खुद को लगवाने के लिए। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, मैं उनसे जा रही हूँ अपने एक हाथ में लगवाने, आके मैं एक हाथ खुद लगाऊंगी। तो चले मिलते हैं। सो हम आए हैं बाहर मार्केट की तरफ, तो देखिए बाप कर दिए अल्लाह, ये रौनक का बस आज लास्ट दिन है, ख़त्म हो जाएगी उसके बाद। सो गाइस ये जो रमज़ान की रौनक है बस ये आज लास्ट का दिन है, कल से सब सन्नाटा सब वही अपने अपने घर यहाँ वहाँ,
और हमारी तरफ से आप सभी को चांद मुबारक। और अभी हम जा रहे हैं मेरे एक हाथ में मेहंदी लगवाने के लिए, मैं तो नहीं लगा रही थी मैंने इस चक्कर में मालूम मेरे दूसरे ऑर्डर्स कैंसिल कर दी, क्योंकि मेरे महत के अबू कह रहे हैं कि अब बस करो दूसरों का, आप तुम खुद को लगाओ। तो मैंने सामने वाले का ऑर्डर कैंसिल करके अपना खुद का लगाने जा रही हूँ, क्योंकि बीच वर्ल्ड पे मेरे हाथ में मेहंदी रहती है नहीं टाइम पर, जब त्यौहार रहता है तभी नहीं रहती है, तो तब क्या मतलब। तो वो बोल रहे कुछ भी हो तू लगा तो लगा, तो मैं बस अभी जा रही हूँ मेहंदी लगवाने एक हाथ में, और फिर अपने हाथ में रात में एक डिज़ाइन लगा लूँगी और हो जाएगा मेरा कंप्लीट। और मेरे पैर में कंघूरे लगा ली, डिज़ाइन जैसा कुछ भी नहीं लगाई हूँ। तो चले चलते हैं अभी फटाफट। और सो हे गाइस, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुशा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी मस्त है और स्वस्थ है। तो हमारी सुबह हो चुकी है और अभी इस वक्त हो रहा है मॉर्निंग के 8:30। और गाइस मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए, नमाज ये मतलब हमारी मस्जिद में बाजू में ही है, तो ईदगाह नहीं जा पाऊँगा कि रश भी बहुत रहता और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता, और दूसरी बात वहाँ पर भी जगह वगैरह मतलब इतना कुछ मिलती नहीं है, तो इस वजह से तो हम उठ गए फटाफट, सब लोग फ्रेश हो गए नहा धो के, और सबसे आखिरी में मैं ही नहाया हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए क्योंकि टाइम हो जाएगा, बाकी की बात बाद में। तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक, और ढेर सारी खुशियाँ और बहुत सारी दुआएँ हमारी तरफ से। तो आइए हम देखते हैं क्या चल रहा है। सो यहाँ पर शिरकुर्मे की तैयारी चालू है, इधर दूध गर्म हो रहा है, और यहाँ पर आंटी ने और शबनम में मिल के ये काट लिए ड्राई फ्रूट्स। और महान बाबू की अभी तक सुबह नहीं हुई है, तो चलिए। और गाइस मेरा ड्रेस देखिए कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। देखो अल्लाह इन्हें पे भी इतना ये हाथ मार मार के ना लड़के ने पूरा ख़राब कर दिया। तो चलिए फटाफट निकलता हूँ मैं भी, मिलते हैं आने के बाद। सो गाइस यहाँ पे मेरा शिरकुर्मा बन रहा है, अभी मैंने ड्राई फ्रूट सब रोस्ट करके अभी इसमें डाली है, तो अभी ये पक रहा है, अच्छा पक जाएगा। तो देखिए मेरी मेहंदी, और अभी मुझे सब साफ़ करना है, पर मैंने साफ़ इसलिए नहीं की क्योंकि दूध कभी गिरा गिरा, तो इस वजह से ये पूरा बनाने के बाद गैस पोछ के फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर हमने कांदा वगैरह भी काट के रखे हैं, और यहाँ पे छिलम छाली कर रहे हैं। तो गाइस देखिए इतनी तेज हवा है यहाँ से कि पूरा पंखा टेढ़ा हो गया। या अल्लाह देखो आज के दिन भी पंखा टेढ़ा हो गया, अब हम कहाँ बैठेंगे, यहाँ पे बैठते हम लोग आंटी के डर के वहाँ पे उठ के चले गए। तो पूरा ये वाला पंखा देखो, पूरा ये वाला पर उसका पूरा टेढ़ा हो गया, पूरा ऐसा क्रॉस हो गया। तो बाप देखो अब आएंगे सीधा करेंगे आके, बहुत तेज हवा आ रही है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, सो गाइस मैं आ चुका हूँ नमाज से, और अब मैं जूता पहन के जा रहा हूँ नमाज के लिए, चप्पल पहन के गया था और अब जा रहा हूँ। चोरी हो जाएगी अगर जूता पहन के, और देखो क्या हुआ। यहाँ पे हम लोग सब बैठ के तैयारी कर रहे थे, हवा से पूरा टेढ़ा हो गया। हाँ तो आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। उन लोगों का काम वाम चालू है और अभी बाद में फिर लोग रेडी होंगे। चलो तो हमारे राजा बेटा सो के उठ गए। अस्सलाम वालेकुम माँ, हाथ ईद मुबारक, मम्मा से हाथ मिलाओ। गंदा बच्चा नहीं मिला रहा। तो गाइस देखिए माशाल्लाह बेडशीट भी चेंज कर दी मैंने, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। और जा रही अब मैं महत को तैयार करने के, तो जो महत को करते हैं पहले तैयार फिर मिलते हैं। सो गाइस माशाल्लाह मेरा शेर, मेरा पापा रेडी हो चुका है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। महत अदा कर दो सबको सलाम को तो जल्दी। तो देखो इसको अल्लाह, अब से वो चप्पल पहन के खट दो लो, देखो खुद का जूता पहना तो मेरे आदमी के जूते को मार रहा है। महद अरे तो देखो तो, अरे अल्लाह गाइस इसके पैर रुक रहे ही नहीं है, इतना खटर 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 कर रहा है, दीवाना हो गया चप्पल पहन के। ला बॉक्स दे, ये तो बाबा लड़का तो कचरा ही चुनवाते रहेगा पूरा दिन, ऐसा लग रहा है आज भी। तो देखो माशाल्लाह दोनों बाप बेटे अजी दोनों माशाल्लाह, देखो दोनों जन ने बाप बेटे ने एकदम सेम पहने। अरे अल्लाह इसके तो पैर जमीन पे ही नहीं ऐसा लग रहा है। ओ माशाल्लाह, चलो ईद मुबारक करो जल्दी से अब। ओ ईदी दो मेरे बेटे को।
ईद मुबारक करो, ईद मुबारक, ईद मुबारक माशाल्लाह। ईदी दो, ईदी दो मेरे भैया को, जल्दी से ईदी। कैसा जाग रहा है? ओह माय गॉड, कैसा पीछे हाथ रखे खड़ा हूँ, माशाल्लाह। चल दो ले ले, मम्मा को दे दो, माँ अरे अल्लाह, एक वापस दे तो दे दिया तुमको। हाँ अजय उसको सामने था, मुँह दिख रहा ही नहीं है वो। मम्मा माँ पैसा मिला, एक दे देखो कुंडू, बताओ बताओ ऐसा बताओ। कहाँ मिला भैया? फेंक दे रहा, हेलो, एक बार सो गया उसको। हेलो, तो देखो इसको कैसा दांत से रोटी का चश्मा, फैजान कितना पर कैसे कर रहा है ना। अल्लाह बड़े अब्बू सबका। चलो और यहाँ आए है बेटा, और ये देखो पापा यहाँ खेल रहा है, चुप इतना भगा रहा हाथ पे। शिरकुरमा पिए भाई, अच्छा लगा? मतलब ये फर्स्ट टाइम मैंने बनाई, कोई है नहीं ना तो नहीं बना पाती ज्यादा। ईद मुबारक, सलाम करो। वालेकुम सलाम। हम लोग आ गए बाहर से और मैंने सामान वगैरह भी लेके आ गया, कब्रिस्तान से भी आ गया और घर पे अब्दुल्ला भाई भी आ गए। देखो लोगों को कैसा खेल रहे दोनों भाई भाई, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। और भाई क्या चल रहा सब? बस अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी। तो और एक बार हम लोग वापस से कर भाई लोगों बोलते यूट्यूब पे ईद का लुक देती और इसका लुक देखा। मैं भी तैयार नहीं हूँ, नहाई भी नहीं इसलिए। और मुदस्सिर भाई और फज्जू आगे बैठे, तुम तो आज ऐसा मुंह बना रहे जैसे कि रोजा रखे है ना। और गाइस देखिए अभी इस वक्त हो रहे दोपहर के 12:30 और इनको देखो अभी मैं काम ही कर रही हूँ, खाना भी हो गया है। हाँ। और पानी लाने का, हाँ जार लाने का है, बस अभी बिरयानी हो गई है दम देने का, सिर्फ थोड़ा सा वो बना दूँ। तो भाई चलिए फिर मैं भी जाके पानी वगैरह लाता हूँ दोस्तों। देखो उसको, ए चल फोटो खिंचाने चलो महाज हमजा, ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको बोलना, इधर इधर सही से बोल, आप सबको ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। और हमजा बोलो आप सबको ईद मुबारक। तो गाइस अब देखो छोटे नवाब जा रहे अंदर, जा ए खड़े रहो मार्क मार्क खड़े रहो, देखो बड़े अब्बू क्या बोल रहे हैं, बड़े अब्बू क्या बोल रहे हैं। अरे वाह, ताली बजाओ मार, ताली बजाओ मेरा पापा। तो मार भी आ गई, मार कहाँ रख रहा मार, मार 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 तुम दुआ करो बोलना अल्लाह मेहमानों को ईदी देने की तौफीक अता फरमा, उसको अम्मी से बचा। ए मद्दू भाग, ए हमजा क्यों कितनी ईदी मिली, हाँ बता तू। अरे माँ, तो ये दो बच्चों की हो गए, जरा पाजी के वहाँ पे जाने का है तो जाएंगे अभी हम लोग की थोड़ी देर से। और फज्जू भाई देखो ईद के दिन भी काम करे, छुट्टी करो ना भाई, क्या यार फज्जू भाई छुट्टी तो मारो यार, भाई काम ही काम कर रहे तुम तो निस्ता। जाएंगे जाएंगे, ए हमजा अट्टू कितनी थी जमा करा रहे भाई, ये छोड़ के जेब में बता कितना है, जेब में कितना माल मुद्दा रखा बता सही सही। ताले तो देखो ये महत का ईद का लुक,
तो देख सकते हैं आप लोग, ये खुद को तो लगा रहा है, अपने अब्बा को भी लगा रहा है। अगर ये उठेंगे ना मेरे को चार बात सुनाएंगे, तेरा कुछ भी नहीं जा रहा इसमें। उठ जल्दी उठ। सो गाइस हम उठ चुके हैं सो के, क्योंकि थकान के कारण इतनी हमारी हालत खराब हो गई थी कि हम एकदम मतलब एकदम बदन हुआ ऐसा, एकदम दुख रहा था कि ऐसा क्या मालूम क्या हो गया। तो नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी तो मैं भी आके सो गया, और अभी मैं उठा हूँ, एक 10-15 मिनट हुआ है उठ के। और अभी इस वक्त देखिए हो रहा है शाम के 4:30, और शबनम का खाना वगैरह ये वो बर्तन वर्तन सब जो धोना था सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बस मतलब कुछ टाइम पहले ही हुआ। तो भी नहा धो के फटाफट अब मतलब खाना वगैरह होने के बाद भी बर्तन वगैरह भी सब धुल गए, वो भी थोड़ा आराम करें। और अब ना मेरे को ना अब तैयार हो रही, तो मैं अब तैयार हो रही हूँ। मैं ना मेरा ना 3 दिन से जो मैं मेहंदी लगा रही थी काम कर रही थी ना, वो मेरे को थकानती घर के काम से, मुझे कोई नहीं कि घर का काम मैं पहले से करती हूँ, जो मेहंदी लगा रही थी जो मेरे पीठ के जो बीच में गैप है ना, मन का वो दुख रहा है, हड्डी ना बहुत दुख रही थी। बाकी मुझे काम वाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम वाम कर ली। हाँ क्योंकि ना मतलब 3 दिन से वो ऑर्डर वो चालू थे ना उनके, तो रात में भी हम लोग को बहुत ज्यादा लेट हो गया था, तो रात भर भी तो हम लोग जागे ये 4 बजे तक। और फिर बीच में माद भी उठ गया थोड़ा बस सोने करे, तो माद बाबू भी उठ गया, तो उसमें सब लोचा हो गया। तो मैं तो भैया खाना खाते साथ ही जो सोया एकदम रावस, शबनम भी बर्तन वर्तन होने के बाद थोड़ा आराम कर लिए। चलिए तो मैं खुद इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ, तो अभी हम लोग फटाफट वैसे भी कहाँ जाना है, बस बाजियां जाने से तो शाम में तैयार हो रही थी, गर्मी बहुत। हाँ धूप भी बहुत थी, दिन में बाहर निकल के भी फायदा नहीं था, तो अभी हम लोग फटाफट तैयार होके मैं भी जा रहा हूँ हेयर ड्रायर वो कर लेता हूँ। मार के भी देखो कपड़े वगैरह सब उतार के यहाँ पे रख दिए थे, और अब उसको वापस से रेडी करने जा रहे हैं, तो मैं भी फटाफट बाल वाल सेट कर लेता हूँ, फिर हम लोग निकलेंगे बाजी के घर पे। चलिए आप लोगों को भी साथ लेके जाएंगे गाइस, और आई होप कि आप लोगों का भी ईद का दिन बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए सो गाइस शबनम पूरे रेडी हो चुके हैं, अब जाके सुबह से मैं अब 5:30 बजे रेडी हूँ। कितने बज रहे अभी? 5:30 नहीं 5:05 हो रहे हैं, 5:05 को अब रेडी हुए मैडम। तो बाजी के वहाँ भी जाने का हम लोग को मस्त दिख रहा है माशाल्लाह। तो ये उनका आज का आउटफिट था ईद का, और ये हमारे टुकड़े को देखो कहा गया हमारा टुकड़ू, ए टुकड़ू टुकड़ू बच्चा कैसा लग रहा है हमारा मत बताना, मेरे बेटे का बता रहा है, मस्त लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं महाद। अरे वाह। तो गाइस हम इतना अच्छा फोटोशूट कर रहे थे पर लाइट चली गई, और मेरे बच्चे को बहुत गर्म हो रहा है, चलो उसको मैं बाहर लेके जाओ। हाँ आप जाओ, मैं नीचे आ रही ना कप पहन के। हाँ सो गाइस मैं भी आ गई अपनी वापस से हुई अवतार में, क्योंकि लाइट चली गई है, बहुत गर्मी हो रही है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, मैं कैसी लग रही हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे फोटो खींचे हमने, हम कम्युनिटी पोस्ट भी डालेंगे तो आप लोग ज़रूर देखना। और मैंने अब सिंपल सा झुमका उमका मतलब एकदम नॉर्मल पहन ली, कि मतलब मैं रह सकूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कपड़े नहीं उतारूंगी, कपड़े रात तक मेकअप वेकअप रहने दूंगी। तो चले चलते हैं। हाँ चलो चलिए गाइस मैं जा रहा हूँ पेट्रोल डालने, और वहाँ जाके मिलेंगे नानी नाना नानी चाचू सब लोग से। चलो चलिए। सो गाइस हम लोग पहुँच गए बाजी के घर के पास, सब बच्चे लोग यहाँ पे ईद एंजॉय कर रहे हैं। तो चलो अंदर जाते हैं। चलो भाई चलो, जब लोग चल रहे हैं चप्पल ऊपर रख दिए भाई। नानी मुबारक। नानी अम्मी भी आ गए, अभी कितने बजे आए? 5 बजे। 5 बजे नहीं आए, लेट आए। 4 बजे आए, हम लोग थोड़ा सा लेट आए, हम लोग हर जगह लेट हो जाते हैं। अल्लाह तुमको अच्छा रखे। आमीन आमीन। अल्लाह हर बला से महफूज रखे। माँ पापा तो वहाँ कोपले में सो चुके हैं। अली पापा ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो माशाल्लाह शिरकुरमा आ चुका है, बाजी तुम भी आओ अब घर पे, शिरकुरमा बना के रखी हूँ। सो हम आ चुके हैं घर पे, और इनके आए हैं फ्रेंड्स लोग, तो हम दे रहे हैं उन्हें शिरकुरमा, और हमारे चाचू वहाँ बैठे हैं, चाची चाचू चाची की हालत खराब हो गई, क्योंकि
बहुत आना जाना पड़ रहा ना, कभी मेरे यहाँ फिर बाजी के यहाँ, मेरे यहाँ बाजी के यहाँ, दिन में चार पांच चक्कर हो जाएगा तो वो ना थक गए बिचारे। सो गाइस हम घर आए और उनके दोस्त लोग आगे बैठ के शुरखुरमा पी रहे हैं और हमारे चाचू है, ये चाचू चाचू बहुत शर्माते तो अब मैं इनको इतना बोलती हूँ ब्लॉग में आओ ब्लॉग में आओ, पर बहुत शर्माते हैं, मतलब पता नहीं आते ही नहीं। ये हमारे फैजान भाई एक नंबर बिंदास आते कहाँ गए अरसलान भाई, और ये हमारे ये एक और भाई है, ये ये भी क्यों इतना शर्माते क्या मालूम, जबकि कोई नहीं देखता, अपने ही फैमिली लोग देखते हैं ना, है ना आंटी। फिर आंटी आते बिंदास, अभी आंटी थोड़ा लेटे हैं क्योंकि वो सीढ़ी चढ़े ना तो उनको थोड़ा ना मतलब क्या बोलते उसको क्या बोलते चाचू, सांस थोड़ी फूल रही है, नहीं उल्टी ऐसा हो रहा है, थोड़ा उतर चढ़ उतर इस वजह से। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर से। तो गाइस हमारा खाना वगैरह हो चुका है और हम सब बैठे थे मस्ती मजाक कर रहे थे आगे, तो चाचू लोग भी अभी सोए जस्ट, और अभी इस वक्त हो रहे रात के 1:10, बाकी तो सब पहले ही सो गए, चाचू अभी सोए और हम लोग अभी बैठे ही है, महान बाबू भी सो गए। तो बहुत अच्छा दिन गया हमारा आज का अल्हम्दुलिल्लाह, है क्या नहीं। और एक ही तो घर है जाने के लिए, बाकी सब यहाँ आ गए थे तो एक ही घर पे गए, बाजी के घर पे, मतलब सब आ जाते तो हम लोग सब एक दूसरे से मिल गए, सब उधर ही जमा हो जाते हैं हम लोग। तो मैंने चेंज वेंज भी कर लिया, अभी मुँह हाथ धो के बस सो जाने का है, फिर थका और हम लोग की नींद वगैरह भी नहीं हुई, और हम लोग को सुबह सुबह उठ के कहाँ निकलने का शबनम, हमें जाना है कल फार्म हाउस, आप लोगों ने कितना इन लोग फार्म हाउस होते, तो हम लोग कल सब पूरी फैमिली जाने वाली है फार्म हाउस, तो वहाँ पर भी बहुत सारा धमाल होएगा, ढेर सारा हिलते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारा धमाल होएगा, तो उसका भी आप लोगों को फुल ब्लॉग मिलेगा। और आप लोगों की ईद कैसी गई कमेंट करके ज़रूर बताना, हम लोग की भी अच्छी गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग भी जरूर बताना कैसी गई, मतलब क्या वही शिरकुमा बनाओ, खाने पीने की चीज़ बनाओ, बस तैयार हो जाओ, वो ऐसे ही रहता है बाकी। तो अभी पहले के ऐसी मतलब ईद के ऐसी पहले की बात भी नहीं है, पहले जैसा मतलब मम्मी पापा के जो समय पे अम्मी सब करते थे तो वो एक अलग ही बात थी, अब सब मज़ा नहीं रहा तो कोई नहीं चलता, तो दूसरों की ईदी लेते मतलब एक वक्त था ईदी लेते लेते, अब ऐसा वक्त आ गया कि ईदी देने का मतलब वक्त आ गया, इतने बड़े तो मतलब वो अच्छा था लेने वाला ही, देने वाला मतलब देने की बात की पर मतलब अब बड़ापन अच्छा नहीं लगता, हाँ, बचपन अच्छा था तो हाँ, तो मतलब बहुत सुना भी, अब मतलब बचपन की बात बचपन की अलग ही थी, सब साथ में रहते थे सब भाई बहन, अभी भी हम लोग साथ में ही, अभी शबनम यहाँ पर थे ये साल के हर साल ही तरी रहते कल ही इनशा, तो बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को मतलब हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं और अच्छी अच्छी विषय। तो गाइस चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज का हमारा दिन भी यही ख़त्म होता है, आप लोग भी दुआओं में याद रखना और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।